हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अब है एक्सेल कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि अगस्त में एग्जाम होना है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम होना। प्रीवियस क्लासेस में हमने एमएस वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे जो हर बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आते। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो हर बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे आते हैं। प्रेजेंट टाइम पे बहुत चर्चा है कि एमएस ऑफिस की जगह एक नए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाना है, उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस ऑफिस की जगह किस ऑफिस का यूज एग्जाम में होगा और किससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक विंडोज का यूज होता था, अब किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होगा ये सब कुछ मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तो कल सुबह 8 बजे आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आइए देखते हैं एमएस पावर पॉइंट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 का एक्सटेंशन है। अभी तक आप 2007 पढ़ते थे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते थे, लेकिन इस बार लेटेस्ट वर्जन के ऑफिस हैं उनसे भी क्वेश्चन आए। आपके ऑप्शंस हैं .ppt, .pptx, .ppts, .ppxt। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं और जो भी राइट आंसर है आप कमेंट करके हमें तुरंत बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, .pptx। नेक्स्ट, हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 9 या फिर सभी। तो हैंडआउट मास्टर का जो यूज होता है वो स्लाइड्स को, प्रेजेंटेशन को पेज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है और इसमें आप 2, 4, 6, 9 इतनी स्लाइडों को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्शन पावर पॉइंट में शैडो, टाइटल, टेक्स्ट और बॉक्सेस का कलर बदलने की सुविधा प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस हैं कलर स्कीम, ड्राइंग टूल्स, टेक्स्ट टूल्स, बैकग्राउंड कलर। क्वेश्चन फिर से आप पढ़ लीजिए, कौन सा ऑप्शन पावर पॉइंट में शैडो, टाइटल, टेक्स्ट और बॉक्सेस का कलर बदलने की सुविधा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कलर स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है, इंसर्ट, व्यू, फाइल और एडिट। तो पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर होता है व्यू मेनू में, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट फॉन्ट ग्रुप में अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी का फॉन्ट साइज और जूम से, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो। इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एमएस वर्ड का जूम परसेंटेज कितना होता है, एक्सेल का कितना होता है, पावर पॉइंट का कितना होता है। आपके ऑप्शन है 72, 96, 8 और 48। इसका राइट आंसर है 96। पावर पॉइंट में अधिकतम फॉन्ट साइज होती है 96, वहीं अगर एमएस वर्ड की बात करें तो उसमें होती है 72 और एक्सेल में भी मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में किसी पिक्चर को रीकलर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट पिक्चर विद कलर, टूल्स पिक्चर रिकॉर्डर, फॉर्मेट पिक्चर विद कलर, एडिट पिक्चर विद कलर। इसका राइट आंसर है फॉर्मेट पिक्चर विद कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को निम्न में से किस में लागू किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं सिलेक्टेड स्लाइड, ऑल स्लाइड, करेंट स्लाइड या ऑल ऑफ एबव। किसी भी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को सिलेक्टेड स्लाइड में भी किया जा सकता है, सभी स्लाइडों में किया जा सकता है और करेंट स्लाइड जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उस पे भी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ एबव। स्टूडेंट्स, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग
हमने ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हर एक चैप्टर के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर काफी डिटेल में हमने पढ़ा था। उन दोनों चैप्टर्स को 12 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करते हैं? ट्रू के लिए आप कमेंट में लिखिए टी और फॉल्स के लिए लिखिएगा एफ। तो बिल्कुल सही है, नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करते हैं। वही अगर न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए कंटेनर की तरह किसका उपयोग किया जाता है? स्लाइड मास्टर, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स या एंड्रॉइड मास्टर? पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए कंटेनर की तरह यूज किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स। राइट आंसर है ऑप्शन 3, टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में किस व्यू का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्लाइड नोट, शॉर्ट नोट, साउंड नोट और नोट व्यू। तो स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में नोट्स व्यू का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, नोट्स व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एन, एम, डब्ल्यू या पी? स्टूडेंट्स, ये सिंगल वर्ड्स है, ना इनके साथ कंट्रोल का यूज है, ना आल्ट का यूज है या फिर शिफ्ट का। इन सभी कंट्रोल कीज का यूज इसमें नहीं किया गया है। ओनली एन है, ओनली एम है, ओनली डब्ल्यू एंड ओनली पी। इससे प्रीवियस क्लासेस में भी हमने आपको ये क्वेश्चंस बताए थे, आपको विद प्रैक्टिकली मैंने ये सभी क्वेश्चंस करके दिखाए। तो पावर पॉइंट में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए हम यूज करते हैं पी का। वही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पावर पॉइंट में नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं एन का। अगर क्वेश्चन आता है कि पावर पॉइंट में व्हाइट स्क्रीन के लिए आप किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डब्ल्यू। अगर आपका स्लाइड शो चल रहा है और उस समय पे आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड शो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और पूरा बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। यहां पर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? आपके ऑप्शन है ओवरहेड, लेटर्स, एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए उपयोग किया जाता है, नेक्स्ट स्लाइड को डिलीट करने का तरीका। तो स्लाइड ट्रांजिशन एक विशेष प्रभाव है जो स्लाइड में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए उपयोग किया जाता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए पावर पॉइंट में किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट या एनिमेशन स्कीम। तो विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए पावर पॉइंट में हम यूज करते हैं एनिमेशन स्कीम का। राइट आंसर है ऑप्शन 4, एनिमेशन स्कीम। नेक्स्ट, स्लाइड का क्रम बदलने के लिए निम्न में से किस व्यू का उपयोग किया जाता है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड का क्रम बदलने के लिए हम उपयोग करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में लास्ट शो माना जाता है नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पावर पॉइंट में लास्ट शो होता है स्लाइड शो व्यू। पहला व्यू कौन सा है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एमएस पावर पॉइंट में पहला शो माना जाता है नॉर्मल व्यू। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन 2, स्लाइड शो व्यू।
एमएस पावर पॉइंट में लास्ट 100 व्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा है। अगर अभी जो ट्रिपल सी एग्जाम जून में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी जुबान पे रट लीजिए। आपके ऑप्शंस हैं स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू और आउटलाइन व्यू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में अधिकतम जूम साइज कितनी होती है? मैंने आपको कई बार बताया है कि एग्जाम में जूम परसेंटेज और फॉन्ट साइज से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो, इन सभी से आता है कि एमएस वर्ड का जूम परसेंटेज, एक्सेल का जूम परसेंटेज, पावर पॉइंट का जूम परसेंटेज या फॉन्ट साइज कितनी होती है। यहां क्वेश्चन है पावर पॉइंट में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है, तो एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम परसेंटेज होता है 400। राइट आंसर है ऑप्शन 3। वही अगर एमएस वर्ड की बात हो तो एमएस वर्ड का मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को ऐड करने का क्रम क्या है? एडिट चार्ट, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट चार्ट, चार्ट व्यू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसर्ट और चार्ट। इंसर्ट पे जाके आप चार्ट पे क्लिक करके चार्ट को ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं तुरंत उसको आपका जवाब दूंगा। या इसके अलावा ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड है आपके माइंड में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपकी समस्या का समाधान करूंगा। करेंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? आपके ऑप्शन हैं कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ और कंट्रोल प्लस क्यू। तो करेंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस एम का। राइट आंसर है कंट्रोल प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? स्लाइड टाइमिंग, स्लाइड टाइमर, रिहर्स टाइमिंग, स्लाइड शो सेटअप। तो पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए हम उपयोग करते हैं रिहर्स टाइमिंग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिहर्स टाइमिंग। तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 8 बजे ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल सी एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, ट्रिपल सी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो गई है या फिर अभी नहीं हुई, या कब से ट्रिपल सी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी और एमएस ऑफिस की जगह आप कौन सा ऑफिस यूज होना है, ये सब कुछ मैं आपको कल मॉर्निंग की वीडियो में बताऊंगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और कल शाम की वीडियो में मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।